मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए उसका आज हम लोग सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले 30 क्वेश्चन तो कर चुके थे। आज हम लोग 31 क्वेश्चन से मैं कम से कम 200-300 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कभी कहना नहीं है आप लोगों को कि हाँ सर ऐसा नहीं किए, ठीक है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके उतना, ठीक है। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक। तो हम लोग कहाँ तक गए थे, ये रहा हम लोग का। PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आइए देखते हैं आपकी क्लास को, ठीक। चलिए ये रही आपकी क्लास, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। बताइए, जब 1905 में जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, तो करजन था। कौन था, करजन था, ठीक है। कौन था, करजन था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय कौन था, तो करजन था, ठीक, याद रखिएगा। डफरिन कब था, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय जो है कौन था, डफरिन था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है तो इसको बताइएगा, तो 1900 कब में था, 1985 में ये था, कब था इसको याद रखिएगा, 1985 में हमारा कौन था, डफरिन था। और मिंटो कब था बताइए, तो मिंटो मार्ले एंड मिंटो सुधार कब आया था, मार्ले 1909 में, कब, सॉरी उसको मैंने गलत बता दिया, ठीक है, एक मिनट है, यही होता थोड़ी सी, ये कब था, तो 1885 में कौन था, डफरिन, ठीक, कौन था, डफरिन था। और मिंटो कब था, तो मिंटो 1909 में, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी के समय आई थी, ठीक है। हार्डिंग कब था, जिस इस पर बम फेंका गया था, कब, तो यह जो है कब था, बम कब इसके ऊपर फेंका गया था, जब हमारी राजधानी बनी थी, तो 1911 से लेकर के 15 तक ये था, ठीक है, हार्डिंग था, ठीक। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डेट वाइज सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, इसको बता दीजिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, इसके बारे में बताइए फटाफट। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था, तो इसका गठन जो है कब हुआ था, 1942 में आज़ाद हिंद फौज के गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। इन्होंने जो है कांग्रेस INC जिसको होते इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद को भी संभाला था, ठीक है। कब ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष एक बार ये जो है 1938 वाले अधिवेशन में थे, और एक बार कब थे, 1939, इसमें इनके अपोजिट कौन, सीता पटाभी रमैया क्या किए थे, चुनाव लड़ गए थे, और जो है ये क्या, इसमें इनकी जीत हो जाती है 1939 वाले में, और सीता पटाभी रमैया की हार हो जाती है। और जब ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह सीता पटाभी रमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है, जिससे आहत होकर के सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस के, ठीक, 1939 में। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है, 1940 से 45 तक रहे थे, ठीक। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33, देश बंधु किसको कहा जाता है, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है, B.R. अंबेडकर को, C.R. दास को, B.C. पाल को, रविंद्रनाथ टैगोर को, तो देश बंधु किसको कहा जाता है, तो यह जो है C.R. दास को, चितरंजन दास इनको बोला जाता है। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चितरंजन दास किसकी, किस पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, कब किए थे, स्थापना 1923 में किए थे, ठीक है, 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की क्या किए थे, स्थापना किए थे, ठीक। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखें, कौन कौन से, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर के, जब हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी स्थगित कर देते हैं, तब तो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोल्ड मेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को शांति साहित्य का पूरे एशिया में पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। और हमारा जन गण मन जो राष्ट्रगान लिखने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। अमार सुनार बंगला बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान कौन लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए,
क्वेश्चन नंबर 34 पूरा डिटेल से यहाँ सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिए। सिंधु घाटी के घर किसने बनाए जाते हैं, जो सिंधु घाटी के घर थे वह कैसे किस तरह के घर बनाए जाते थे, तो वहाँ के घर जो है पक्की ईंट, लकड़ी, बांस या पत्थर के, तो ईंट के बनाए जाते थे। और जो यहाँ की सड़कें थे, जो सभी सड़कें थीं वह हमारी 90 डिग्री पे आ करके क्या करती थी, मिलती थी। सभी सड़कें कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर मिलती थी, ये याद रखिएगा। सभी सड़कें क्या करती थी, 90 डिग्री पर आ करके मिलती थी, ठीक। इसके महत्वपूर्ण स्थान लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा, किस शासकों के राज्य काल में अजंता और एलोरा की गुहा मतलब गुफा चित्रकला विकसित हुई थी, बताइए। तो जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे किसका शासक था, तो ये जो हमारा एरिया पड़ता है अजंता, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में जो है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा वंश था, तो राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश था। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ई पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। राष्ट्रकूटों द्वारा जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं को चित्रकला का क्या किया गया था, विकास किया गया था। पल्लव और राष्ट्रकूट जो थे ये हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में थे, यहाँ पे कौन थे, पल्लव और पांडे जो थे ये हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में थे, चालुक्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में थे, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट चलिए आगे बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, और वीडियो को शेयर करते रहिए, इसी तरह से सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा, ठीक है। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बताएंगे 36 क्या कह रहा है, कि मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, मुगल काल की जो राजभाषा थी, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो बाबर ने किया था, कौन किया था, बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था, कब किया था, तो कब किया था बताइए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय इसने क्या किया था, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का था, इसको हरा करके इस वंश की क्या की थी, नींव रखी थी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या रखी थी, नींव रखी थी। थोड़ी सी पेन बहुत मोटी है जिस वजह से आपको भी देखने में विजिबिलिटी, तो इस वंश की क्या किया था, स्थापना किया था, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी भाषा क्या थी, अरबी थी, फारसी थी, या उर्दू थी, या हिंदी थी, तो इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा जो थी वह फारसी थी, ठीक। चलें आगे, चलिए 37 बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, बलबन के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिसको हम बीटी बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय, या फिरोज तुगलक के समय, बताइए 37 का, तो 37 का राइट आंसर बी आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक क्या हुए थे, आक्रमण हुए थे, घोड़ा दागने की पद्धति, अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बलबन क्या था, सिजदा फापोश, नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया, ठीक है, नवरोज त्यौहार, ठीक है। यह क्या था, गुलाम वंश का शासक था, किस वंश का, गुलाम वंश का क्या था, शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT बोलते हैं, इसके समय जो है कौन आया था, इब्न बतूता आया था, जिसकी पुस्तक क्या थी, रहला थी, ठीक है, MBT, ठीक। इसके समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, फिरोज शाह FST बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक बनता है, जिसने जौनपुर शहर को क्या किया था, बसाया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं 38, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युगीन थी, लौह युगीन थी, पुरपाषाण थी, या नवपाषाण थी, तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह क्या थी, कांस्य युगीन थी, कैसी थी, कांस्य युगीन थी, ठीक है, कांस्य युगीन थी, ठीक, याद रखेंगे। चलिए 39 बता दीजिए, 39 क्या कह रहा है, कि राज्य हड़प अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था, तो डलहौजी था, ठीक है। सबसे पहले इसने किसको हड़पा था, तो सबसे पहले सतारा को, सबसे पहले महाराष्ट्र का जो था सतारा, उसको सबसे पहले अपने राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था, किसको, सतारा महाराष्ट्र को, ठीक है। और इसी ने रेलवे लाइन को भी बिछाया था 1953 में, ठीक है, कहाँ से, पुणे से, मुंबई से थाने के बीच, या पुणे के बीच, थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर की, और इसको अवध को कब मिलाया,
तो अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1956 में क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 40, क्वेश्चन नंबर 40, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके समय थे? हर्ष के समय थे, चंद्रगुप्त के समय थे, अशोक के समय थे या कनिष्क के समय थे? क्वेश्चन नंबर 40 का, तो कनिष्क के समय थे। ठीक है, कनिष्क के समय, ठीक है, कनिष्क के समय चरक थे। ठीक है, शक संवत कब स्टार्ट की गई थी? तो कनिष्क के समय शक संवत भी स्टार्ट की गई थी। कब? 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में हमारी कनिष्क के समय स्टार्ट की गई थी। इसने चौथी बौद्ध संगति भी स्टार्ट किया था। कौन? कनिष्क ने ही। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा कौन था? कन्नौज था। ठीक है, कन्नौज वाले एरिया, और इसकी राजधानी सबसे पहले थानेश्वर थी, थानेश्वर थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अशोक जो मौर्य वंश का था, ठीक है, मौर्य वंश का था। इसका वर्णन जो 13वें शिलालेख जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें जो है दिखता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। चलिए आगे बताइएगा। 41, निम्नलिखित में शासक बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराया था? तो धर्मपाल ने कराया था। यह पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। और धर्मपाल क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट 41 का बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो 1556 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की। ठीक है, प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। तो इसका ये पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 43 बताएंगे, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो हमारा विजयनगर है, यह विजयनगर यहाँ पे जो है संगम वंश की स्थापना हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उस समय शासन किसका था? MBT का था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन लोगों ने संगम वंश की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो उसी में विजयनगर अश ने अपनी क्या राजधानी बनाया था। ठीक है, इसकी जो विजयनगर है वह किस नदी के तट पर है, इसको बताइए। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका डी पार्ट आ जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर हमारा विजयनगर है। ये कर्नाटक राज्य में वर्तमान में पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, दीन ए इलाही एक नया धर्म इसको किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही को शुरू करने वाला कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर था। ठीक है, और यह सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था। सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसने बहुत सारे काम को करवाया। ठीक है, इसने क्या किया बताइए? दीन इलाही धर्म की स्थापना और दीन इलाही को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वीरबल था। ठीक, कौन था? वीरबल था। हुमायूं क्या था? पिता था। किसका? अकबर का। ठीक है, अकबर का। ठीक है, इसने बहुत सारे युद्ध को लड़ा जो है हुमायूं। कौन कौन से? तो चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था। ठीक है, सूर वंश का था, अफगान था एक जो शेरशाह सूरी। जहांगीर कब आता है? जहांगीर अकबर के बाद क्या करता है? राजा बनता है। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए 45 बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एलोरा शकों के द्वारा, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा। महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमारा एलोरा की गुफाएँ, अजंता कैलाश मंदिर, ये सभी राष्ट्रकूटों द्वारा, चंदेल द्वारा, खजुराहों का मंदिर क्या है? चंदेलों द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल क्या है? 45 का बताइए फटाफट, तो बिल्कुल सत्य है। जो खजुराहों का मंदिर हमारा MP में पड़ता है, या किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए, 46 चलते हैं। 46 क्या होगा बताइए फटाफट, कह रहा कि हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो हर्षचरित्र जो है वह किसके द्वारा रचित की गई है? तो यह जो हमारे उनके दरबारी कवि थे हर्ष के, बाण भट्ट द्वारा क्या की गई है? रचित है। कालिदास के द्वारा कौन कौन सी है? तो कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम, कुमार वर्षीयम, ठीक है, कुमार संभवम, ये सभी किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आप 46 तक देख चुके हैं। ठीक है, 46 के बाद कौन सा है? 46 के बाद आप 47 बता दीजिए।
ठीक है बताइए, 47, 47 से 47 से 47 बताइए, 47 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे की गई थी? बताइए 47 की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन था, डफरिन था, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? ए यो ह्यूम साहब थे, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 47 का? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, गुलाम वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को आक्रमण करने पर रोका? तो गुप्त वंश का जो शासक था वह स्कंद गुप्त ने हुड़ों से क्या किया था? युद्ध को लड़ा था, ठीक है, स्कंद गुप्त द्वारा, ठीक है, स्कंद गुप्त द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 49, क्या कह रहा? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाण, तरार, आर्य या मुगल? 49 का ये कौन थी? कुषाण थी, कौन थी? कुषाण थी, ठीक है। कनिष्क इसका सबसे प्रतापी शासक था, ठीक। कैटफिशस क्या था? इसका संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? पहली बार सबसे पहले कौन? अफगान, अरब थे, मंगोल थे या तुर्की थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 50 का? तो सबसे पहले अरबों ने क्या किया था? आक्रमण किया था 712 में, ठीक है, 712 में, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, पूरा ये जो एलोरा का मंदिर है पूरी एक शैल को ही, मतलब जो होती चट्टान को काट के पूरा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में। कौन बनवाया था इसका? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 51 का? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 52, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ? अभी मैंने बताया था, ठीक है, तो हमारा कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिफेन को कहा जाता है। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में, ठीक है, कब? 1905 में, करजन के समय, ठीक है। चलिए, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? पर्ल हार्बर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? 53, तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान, जिसकी राजधानी कहाँ पे? टोक्यो, ठीक है। यहीं पे हमारा G20 का शिखर G7 का शिखर सम्मेलन, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए 54 का, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? धर्मपाल, पृथ्वी चौहान, तो राजा भोज ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, ठीक है, तो राजा भोज ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भी हमारा कैनिंग था। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी था, ठीक है। चले आगे, चलिए, करजन 1905 वाले बंगाल विभाजन, मिंटो जो सांप्रदायिक सुधार के समय था, ठीक है। चलिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इनके मतलब मृत्यु हो गई थी, तो कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 56 का ए पार्ट होगा, ठीक है। 57, चलिए 57 बताइए, निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु या उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का या लोहे का? 57 का बताइए। तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट, टेराकोटा का, ठीक है, टेराकोटा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? बताइए, टीपू सुल्तान के क्या लड़ा था? विरुद्ध लड़ा था। कौन था? 58 का। तो 58 का राइट आंसर क्या? टीपू, तो कर्नवालिस था। कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के तीसरे युद्ध में मैसूर में लड़ा गया था। बताइए, दो क्वेश्चन और हैं, इनको कर लेते हैं। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्णों मंदिर किस का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, तो किसका? हिंदू, बौद्ध और जैन का। हिंदू, बौद्ध और
जैन का। 60 बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कुंडल ग्राम, लुम्बनी, पावापुरी या कुशीनगर? कुशीनगर में महानिर्वाण सबसे ज़्यादा उपदेश जो श्रावस्ती में दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। गया में इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 60 का राइट आंसर ए, लुम्बिनी, जो हमारा कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता, यहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक। तो आप बताएंगे 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।